बिशुनपुर प्रखंड सभागार कक्ष में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग गुमला के द्वारा रवि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद बड़ाइक ने प्राकृतिक खेती करने पर जोर देने की जानकारी दिए और उन्होंने कहा कि बिशुनपुर प्रखंड जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में गुमला जिले का कृषि विज्ञान केंद्र बिशुनपुर प्रखंड में होना किसानों के लिए सौभाग्य की बात है। सभी किसानों को वैज्ञानिक पद्धति एवं सभी प्रकार के खेती को वैज्ञानिक सलाहों के अनुसार हमें खेती करना चाहिए, जिसे निश्चित रूप से किसानों की आय में वृद्धि होगी। बिशुनपुर से भरत कुमार की रिपोर्ट। पूरा जिला का कृषि विज्ञान केंद्र का सेंटर विकास भारती बिशुनपुर में है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच में वैज्ञानिक साहब बता रहे थे, हमारे कृषक का बहुत सा ऐसा बीमारी है, जैसा कि मनुष्य के शरीर में जो बीमारी आता है और उसको इलाज कराने के लिए हम सभी दौड़ पड़ते हैं हमारे डॉक्टर साहब के पास में, और डॉक्टर का सलाह के अनुसार से हम उस दवा का उपयोग करते हैं, तब जाकर के हम ठीक होते हैं। तो उसी तरह से पूरे जिले भर का हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी सौभाग्य है कि जिस तरह से मनुष्य का बीमारी होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह से हमारे कृषक किसानों का जो खेती होता है उसमें बहुत सा बीमारी होता है, जो जानकारी के अभाव में हम उसको ठीक नहीं करा पाते हैं। ऐसे में हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र का होना अपने आप में बड़ी सौभाग्य, हम इसको मानते हैं। और अभी अभी जैसे बता रहे थे हमारे वैज्ञानिक जी की प्रत्येक बीमारी का अलग अलग दवा, और आप लोगों ने बड़ी गहनता पूर्वक, बड़ी ही शालीनता पूर्वक उसको सीखने का प्रयास आप लोगों ने किया। मुझे लगता है कि इनकी जो जानकारी आप लोगों के बीच में जो साझा हुआ है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाई तक ये बात पहुंचेगी और हमारे किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा हमारा सोच है, ऐसा हमारा मतलब अपेक्षा है। हम सब प्रखंड में जाते हैं, सिसई भरनो, वो सब प्रखंडों में खेती के एरिया बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रखंड में देखते हैं जितना रवि सीजन में एरिया विस्तार होना चाहिए उतना खेती करता है, लेकिन यहाँ हर गांव में देखते हैं नदी नाला पानी है, लेकिन खेती जैसा होना चाहिए वैसा अभी नहीं होता है, ठीक ना। तो खेती को व्यवसाय के रूप में समझ के करेंगे तो खेती में फायदा है, घाटा नहीं होगा, ठीक ना। कोई प्राकृतिक आपदा से ही घाटा होगा, अगर खेती को वैज्ञानिक तरीका का प्रयोग करते हुए व्यवसाय के रूप में करेंगे तो खेती में घाटा है, मात्र 4 महीना में 1 रुपया 2 रुपया में बदल जाएगा, ठीक ना। मात्र 4 महीना में 1 रुपया कितना रुपये में बदल जाएगा, 2 रुपया में, ठीक ना। ये आप खेती से संभव कर सकते हैं। तो खेती में जैसे अभी रबी सीजन में लगा है नहीं रहा, तो रहर का उत्पादन जो मिलना चाहिए आपको बढ़िया, वो कैसे मिलेगा। पहले खेती करते आए थे, धान लगाते थे, खाने भर को होता था, खाने भर को होता था 12 महीने का, धान ना कुछ बोलते रहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।